we have Shiladitya Bora, a very, very interesting story. He's the founder of Playtoon One Films. Please put your hands together as he walks to the stage. He is the producer of films like Masan and Newton. He's the former CEO of Drishyam Films. He has worked closely with PVR, and he has been instrumental in the theatrical release and distribution of more than 90 independent films. And he is an alumnus of LD and MICA Ahmedabad, Shiladitya Bora. Thank you so much. Ahmedabad is very special for me for many reasons. It's the first big city that I came. I come from a small town in Assam. So the first big city that I've seen in my life is Ahmedabad. Ahmedabad, I did my engineering, I did my master's, I got my first break in Ahmedabad. I fell in love in Ahmedabad. I got married to someone from Ahmedabad. So all the special things in life happen in Ahmedabad, so it's very special. I come from this place in Assam called Jorhat. It's a very small town and all. So when I was in 11th, 12th standard, mera ek hi tha ki how can I get out of here? Ki kahin bahar jana tha. And for a person from a middle class family, the only thing that will take you out from the city is like padhne jaane ke liye. So being from a middle class family, either you will do an engineering or you will do medical. So engineering ke jo entrance exams hote the, I was the last two guys. Matlab, do hi seat baki tha. Ek tha civil engineering in Jorhat. And plastic technology in LD engineering. I said, I have to go to civil engineering. I have to go and I came to Ahmedabad, LD engineering, plastic technology. Karne ke liye. And no clue ki kya hota hai and all these things. And till that time, I have never ever touched a computer in life. So, our engineering college, ke samne, there used to be this cyber cafe called Login Cyber Cafe. Abhi bhi hai shayad, I don't know. So, हमेशा रात को लॉगिन जाता था पहली बार जिंदगी में कंप्यूटर इंटरनेट एंड ऑल दोस थिंग्स सो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इंटरनेट पे ही लगा रहता था एंड ऑल दिस थिंग्स एंड वहां पे ऑल दोस याहू चैट रूम्स एंड ऑल होते थे सो वहां पे जाके घंटों घंटों चैट करना एंड ऑल मतलब आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम बोर्ड हो गया यार कितना चैट करोगे देन आई स्टार्टेड रीडिंग सो क्या होता था कि मैं फोटोग्राफी थोड़ा बहुत किया करता था आई हैड अ बेसिक कोडेक के भी 12 कैमरा एंड ऑल एंड लोग बोलते थे अच्छा चलो कंपोजिशन अच्छा है ये अच्छा है एंड ऑल तो मुझे लगता था कि अच्छा फोटोग्राफी कुछ अच्छा होगा सो देयर इज टू बी अ साइट कॉल filmmaker.com सो filmmaker.com में बेसिकली ऑल दोस फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू राइट जैसे pagalgarh.com होता है ना तो वहां पे filmmaker.com में दे यूज्ड टू राइट सम फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स ये कैसे होता है वो कैसे होता है एंड ऑल सो वन फाइन डे आई मेट अ गाय कॉल मैनाकधर मैनाकधर वॉज परसुइंग अ कोर्स इन सिनेमा इन एलए तो मैनाक से जब बात हुई मैनाक ने बोला ही वॉज एन असिस्टेंट टू प्रकाश जैन गंगा जल और मैनाक ने जब बोला कि सिनेमा पढ़ रहा है एलए में पढ़ रहा है आई गॉट वेरी फैसिनेटेड बोला सिनेमा एज अ करियर भी ले सकता है तो लाइक वाओ उसके बाद अगले 2-3 महीने मैं यही सोचता रहा कि दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू आफ्टर माई फर्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट ईयर वेकेशन में जब मैं घर गया तो आई टोल्ड माई फैमिली कि आफ्टर इंजीनियरिंग आई एम गोइंग टू एलए एंड आई विल स्टडी सिनेमा And my parents got the shock of their life. फिर थोड़ा रोना धोना एंड ऑल दोज थिंग्स मनाना एंड ऑल फाइनली पेरेंट्स ने बोला चल ठीक है जो तुझे ठीक लगे कर सो लाइक एवरी वन एल्स आई ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस जी आर ई एंड टोफल एंड ऑल दोज एग्जाम्स एंड आई अप्लाइड टू ऑल द टॉप फिल्म स्कूल्स इन यू एस यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया यू सी एल ए न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ऑल बट हर जगह रिजेक्ट हो गया जो है मतलब नॉट फॉर माई जी आर ई स्कोर एंड ऑल आई डिंट हैड एनी पोर्टफोलियो टू शो क्योंकि मैंने बेसिकली प्लास्टिक इंजीनियरिंग की है मैंने फिल्म में कुछ किया ही नहीं है आई डिंट हैड अ पोर्टफोलियो काइंड ऑफ बट आई वेरी बैडली वॉन्टेड टू गो टू यू एस सो मैंने फिगर आउट किया कि यू एस में क्या होता है जिस कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं सो कम्युनिटी कॉलेज में मतलब आप एडमिशन ऐसा कुछ होता नहीं यू अप्लाई टू यू गेट एन एडमिशन सो मैंने भी बड़े से लॉस एंजलिस सिटी कॉलेज स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन में फॉर्म भरा और आ गया एडमिशन मैं बोला अब मैं जा रहा हूँ यूएस टू स्टडी सिनेमा 2015 आई लेफ्ट फॉर एलए एंड बट इट वाज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड ड्रीम मतलब आई लाइक वहाँ पे जाके जब मैंने देखा कि सो एवरी वन देयर इज लाइक ट्राइंग टू मेक अ फिल्म काइंड ऑफ एंड टू परसू अ कोर्स इन सिनेमा यू नीड टाइम एंड यू नीड मनी तो मेरे पास दोनों ही नहीं था पैसा लाइक
हम यहाँ से फर्स्ट सेमिस्टर का पैसा लेके जाते हैं एंड जाते कि वहाँ पे काम करेंगे वो करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स. सो बेसिकली मैं थोड़ा घबरा गया एंड ऑल एंड समहाउ लाइक आई वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट. तो मैंने घर फादर को फ़ोन किया एंड बोला कि आई एम प्लानिंग टू कम बैक. पापा बोले अरे ऐसा कैसे, इतना तो लड़ झगड़ के गया, अब मैं भी HBO में रोज़ दो इंग्लिश पिक्चरें देखता हूँ. एंड फाइनली मैंने बोला नहीं यार आई विल कम बैक. सो फिर नेक्स्ट डे डैड ने बोला चल वापस आ जाओ देखते हैं क्या कर सकते. सो आई केम बैक विद इन 3 weeks. सो एंड आफ्टर आई केम बैक, सो बेसिकली 3 वीक रहने के बाद जब मैं वापस आ रहा था आई वॉज लाइक कि अब इतने दिन US में रहा, किसी के लिए कुछ लिया नहीं, फटाफट आई पिक्ड अप अ शॉल फ्रॉम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट फॉर मॉम एंड ऑल. वापस आके देखा उसमें लिखा हुआ है पश्मीना शॉल मेड इन इंडिया. फिर वापस आने के बाद मेरे हाथ में करने को कुछ भी नहीं प्रैक्टिकली. सो लोग हंसते थे कि वो डायरेक्टर बनने गया था हॉलीवुड, 2 दिन में लौट के आ गया. एंड आई इंजीनियरिंग में भी आई यूज टू हैड सम आई डोंट नो 80 KTs, यू अंडरस्टैंड. सो बैकलॉग बेसिकली हर सेमिस्टर में मेरे को एक आती थी. सो ऑल दिस इन्फोसिस सत्यम एंड ऑल दोस कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता था. तो अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं है करने को. सो अब अलग क्या करते हैं, अब कैट देते. सो इट वॉज ऑगस्ट 2015. तो माई फादर वॉज लाइक कि नहीं वापस आओ एंड ऑल. आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड ऑल. आई वॉज लाइक कि अब मैं कुछ करके वापस आना चाहता हूँ. सो आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. इट वॉज सेप्टेम्बर में टेस्ट सीरीज होता है ना, आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. बट द फर्स्ट टेस्ट सीरीज में लाइक आई गॉट सम 9 or 10 percentile. मैंने मैथ्स का आधा पेपर ही छोड़ दिया, इंग्लिश में वो किया. फिर बट क्या होता है, तुम्हें जब जिंदगी में लगी हुई होती है ना, वेर इन योर लाइफ इज ऑन अ रेजर्स एज मिराकल्स हैपन. So from a 9 percentile in September, I ended up with a 93 percentile in the actual CAT. अब यार मेरे को लगा आदमी by nature थोड़ा लालची होता है. तो I was like यार लोग सालों साल पढ़ते हैं उसके बाद आता है, मैं तो यार 2 महीना पढ़ के 93 percentile आ गया, कहीं मैं अच्छा स्टूडेंट तो नहीं हूँ. एक साल ड्रॉप लेता हूँ, कोचिंग करता हूँ एंड ऑल. हो सकता है नेक्स्ट ईयर आई मे गेट अ कॉल फ्रॉम आई एम अहमदाबाद ऑल्सो, बिकॉज ऑल दिस सैलरीज एंड ऑल दिस इज ग्लैमर ऑफ गोइंग टू दिस आई एम ABC एंड ऑल. डैड को बोला, डैड ने बोला नहीं नहीं भाई ये तुक्का था, आ गए अगले बार ये भी नहीं आएंगे. सो आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल नेक्स्ट टू आई एम कॉलेजेस. एक्सेलर आई गॉट सम 98 और समथिंग जेट में. एंड देन बट क्या होता था मेरे में, आई लाइक मेरे सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे नहीं थे. लाइक आई वॉज लाइक GDPI एंड ऑल. मुझे 15 क्लासरूम ऑफ 20-30 स्टूडेंट्स के सामने जाके अगर कुछ बोलना होता है तो मुझे घबराहट होती थी एंड ऑल. सो आई गॉट रिजेक्टेड इन GDPI स्टेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आई वॉज वेट लिस्टेड इन अ कॉलेज कॉल वेलिंकर इन बॉम्बे. एकदम हर जगह वेट लिस्ट से अंदर घुसता हूँ. सो वेटिंग लिस्ट 2 हुआ एंड आई जॉइन वेलिंकर. वेलिंकर में मैंने 1 साल पढ़ा. तो जब व्हेन आई वाज इन वेलिंकर एट दैट टाइम मेरे को लगा अब तो बॉम्बे आ गया हूँ, जो है आई शुड ट्राई अगेन सिनेमा कुछ करूँ एंड ऑल. मैं सबको चिट्ठियाँ लिखता था, मतलब ये प्रजिश नंदी प्रोडक्शंस, यशराज फिल्म, CUTV, एवरीवन, बट कहीं से कोई रिप्लाई आता नहीं था. फिर मैंने सोचा कि सिनेमा एंड मैनेजमेंट कनेक्ट करती है एन इंटर्नशिप इन मूवी मार्केटिंग, सो आई शुड ट्राई टू गेट अ इंटर्नशिप इन मूवी मार्केटिंग. वो भी नहीं मिला. बट उसी टाइम माइका का जो है, आई अपीयर्ड इन द माइका एंट्रेंस टेस्ट अगेन एंड आई क्लियर्ड माइका एट द सेकेंड अटेम्प्ट. सो फाइनली 1 साल वेलिंकर में पढ़ाई करने के बाद जो है मैंने डैड को फोन करके बोला कि आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग. मैं बोला फिर से? मैं बोला नो, दिस टाइम आई एम श्योर आई एम गोइंग बैक, आई एम गोइंग टू माइका. सो माइका आ गया. माइका आने के बाद सब लोग होता है ना, शुरू में नया MBA कॉलेजेस में आए हैं एंड ऑल दिस थिंग्स. सो हम तो 1 साल पढ़ के ही आए हैं, तो बस अब कुछ करना पड़ेगा, समथिंग आई वॉन्ट टू डू. सो हमारा एक कोर्स हुआ करता था कल कॉर्पोरेट वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो उसमें क्या होता है, तुम बिजनेस प्लान्स बनाते हो एंड इफ दोज प्लान्स आर गुड, माइका विल इनक्यूबेट एंड लाइक फंड इट टिल द टाइम इट्स कमर्शियली वायबल एंड ऑल दिस थिंग्स. तो मैंने भी एक बिजनेस प्लान बनाया विच लुक्स वेरी गुड ऑन पेपर, बट एज यूजुअल एज सर सेड रियल लाइफ में करना होता तो मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता. सो बट देयर वर लाइक सम 26 अदर बिजनेस प्लान्स ऑल्सो. सो क्या होता है उसमें ना, कुछ ज्यूरी में देर वर लाइक सम टॉप गाइज एंड ऑल सम वेरी बिग शॉट गाइज. सो किसी को वो एक आइडिया पसंद आ गया, ठीक है. तो
आई थिंक या सो किसी को एक आइडिया पसंद तो आइडिया क्या था बेसिकली आइडिया था कि मैं बहुत ऑनलाइन रेडियो सुना करता था तो मैंने एक चीप रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर खरीदा कॉल पायरेट रेडियो एंड स्टार्टेड अ रेडियो कॉल फुल मार्क्स रेडियो ऑन कैंपस जो है तो मतलब सब मैं अल्ताफ राजा से लेकर पिंक फ्लॉइड तक सब प्ले किया करता था हॉस्टल से आई टू बी द आरजे असाइनमेंट रिमाइंडर बर्थडे रिमाइंडर एंड ऑल दिस थिंग्स नाउ इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग बट सम 12 इयर्स बैक आई एम टॉकिंग थोड़ा सा रिलेटिवली न्यू था तो जो है वन जेंटलमैन ही दिस इज़ वेरी गुड एंड ऑल दिस थिंग्स आई रन अ कंपनी विद अ वर्कफोर्स ऑफ 1800 एम्प्लॉइज विद ऑफिसर्स इन इंडिया चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल यू बिल्ड द इंट्रा कॉर्पोरेट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया बोल क्या रहे बट मतलब लाइफ में हर चीज़ हिट एंड ट्रायल से ही सीखा है मतलब कर लेंगे फिर देन आई फिगर्ड आउट अ वे कि कैसे इसको जो है मतलब मेरा तो ओपन नेटवर्क पे चलता था व्हेन यू हैव टू मेक इट फॉर अ कॉर्पोरेट एंड ऑल इट नीड्स टू बी ऑन अ वेरी हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क फिर एक मीटिंग हुई दो मीटिंग हुई मुझे लगा कि उस दिन तो सर ने बोल दिया लेकिन उनको करना वरना कुछ नहीं है तीसरे मीटिंग से मैंने ही जाना छोड़ दिया बट माइका पीपल उनको लगा कि मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिल गया सो आई गॉट दैट बेनिफिट ऑफ डाउट एंड उन्होंने मेरा ये प्लान जो है इनक्यूबेट कर लिया एंड देन मैंने आई डिडंट वॉन्ट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी आई वॉज टेलिंग माई टीचर्स दैट कि दिस प्लान सिंपली कैनॉट वर्क बिकॉज इसमें कोई भी मैं 2500 रुपये से शुरू कर सकता हूँ इसमें कोई रेवेन्यू जनरेटिंग वो है नहीं और जो है मतलब कोई भी कल डीप पॉकेट वाला आ गया तुमको ऐसे एक मिनट में ख़त्म कर देगा सो बिजनेसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें एंट्री लेवल बैरियर काफ़ी हो मैंने बोला तो मैं बोला सर मुझे कुछ टाइम दो लेट मी फिगर आउट व्हाट आई वांट टू क्या करना चाहिए सो मैंने बहुत सोच के मैंने को करना था सो कुछ फिल्मों से रिलेटेड थी सो फिगर आउट किया कि शॉर्ट फिल्म एक ऐसा चीज़ है ना उस टाइम आज से 10-12 साल पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आता था शॉर्ट फिल्म होते लोग बोलेंगे हाँ हाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंड ऑल दिस थिंग सो नोबडी न्यू शॉर्ट फिल्म्स क्या है एंड ऑल दिस थिंग तो मैंने बड़े स्टाइल से लिखा फुल मार्क्स इज इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिव शॉर्ट फिल्म्स कंपनी वी प्रोड्यूस बाय सेल डिस्ट्रीब्यूट एंड एग्जीबिट शॉर्ट फिल्म्स मैं ही सीईओ मैं ही पियोन जो है फिर मैं जो है दुनिया भर के एफटीआई और एनआईडी के स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया कि तुम्हारी जो है शॉर्ट फिल्म दे दो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बट आई वॉज ट्राइंग बस सब भगा देते थे कोई वो नहीं करता था फिर आई गॉट फेड अप मैं बोला कि ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे किसी के पास जाना ही ना हो लोग मेरे पास आए तो मैंने फिगर आउट किया कि एक फेस्टिवल करना जो है ना बेस्ट वो होगा सो LA Short Fest is one of the world's largest short film festival. We copied it blatantly and we called Full Mark Shorts Fest. And then, मैंने एक tagline भी नीचे add कर दिया, India's largest short film festival. अब है कि नहीं ये नहीं पता, बस लिख दिया. That's the tagline. When you search on Google, India's largest short film festival, Full Mark Shorts Fest will come. But पैसे वैसे कुछ थे नहीं. अब कोई सब सोचते थे ये मतलब पागल ही इंसान है, कुछ होने वाला नहीं है. And I badly needed some money to run the enterprise and all. सो उसी टाइम गुजरात गवर्नमेंट का एक वो निकला दे वांटेड अ कंपनी टू मेक अ प्रमोशनल काइंड ऑफ वीडियो ऑडियो विजुअल टू मोटिवेट द फेयर प्राइस शॉप ओनर जो राशन कार्ड वाले होते हैं ना फेयर प्राइस शॉप ओनर्स टू कन्वर्ट इनटू मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स बोला यार ये अगर हमें मिल जाए थोड़ा पैसा आ जाएगा इन ऑल दिस थिंग्स पर सब बोले यार ऐसे गवर्नमेंट का काम थोड़ी मिलता है यू नीड टू बी ऑन अ प्रोड्यूसर्स पैनल ये वो एंड ऑल दिस थिंग बोला देख के भेज के तो देखते हैं सो मेरा एक ही चीज़ था कि गवर्नमेंट की जितनी डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना बहुत बोरिंग होती है और 3 मिनट में नींद आ जाती है सो आई वॉज लाइक कि एक मसाले वाली पूरी फिल्म लिखते हैं उस पर केयरफुली मैसेजेस इम्प्लांट करते हैं तो लिखा जो भी बेस्ट पॉसिबल आता था गॉट इट ट्रांसलेटेड इन गुजराती एंड भेज दिया एंड यू वॉन्ट बिलीव दे एक्चुअली कॉल्ड मी सो फिर ऊपर से नीचे देख के बोलते यंग मैन विल यू बी एबल टू डू इट आई वॉज सम 22-23 एट द टाइम एंड समहाउ आई गॉट द ऑर्डर एंड आई जस्ट आउटसोर्स्ड इट टू समवन एल्स मेड सम मनी इन द मिडल एंड थोड़ा पैसे आ गया लोग बोले यार सही है यार बहुत बढ़िया अब क्या है कि हमारे पास पैसे वैसे तो कुछ थे नहीं अब थोड़ा पैसा आया तो वेबसाइट एक बनाया वो किया एंड ऑल देन हमने कभी सोचा नहीं था कि विल गो इंटरनेशनल इन द फर्स्ट ईयर बट कुछ ना कुछ करते रहते थे वो सब सोशल मीडिया था फेसबुक वेसबुक नहीं होता था ऑर्कुट हुआ करता था एंड कुछ ना कुछ करते ही रहते थे ऑल द टाइम सो फाइनली वन फाइन डे वी गॉट अ फिल्म फ्रॉम कोरिया बोले यार हम तो इंटरनेशनल हो गए फिर यार दो फिल्म आई तीन फिल्म आई हुई एंडेड अप विथ सम 60-63 फिल्म्स फ्रॉम 18 कंट्रीज में बोला वाओ इंटरनेशनल हो गए हम वेरी गुड है अब कॉलेज में भी थोड़ी इज्जत बढ़ रही थी लोग बोले गुजरात गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी आ गया इंटरनेशनल फेस्टिवल भी करवा रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स सो एट दैट टाइम वी गॉट कॉल फ्रॉम अ
a VC kind of thing. And they called me and like, we want to have a look at your business plan and all. So gaya business plan, Bombay gaya main, to sab baithe hue hai, IIM, ISB, Hyderabad type ke vice presidents and all kinds of log. Phir main presentation dene gaya, to pehle mereko bolte, please clean your laptop and all. Maine rumal nikal ke clean kiya. Aur mereko thoda sa wo laga ki yaar chote country ka president milta hai, bade country ka president milta hai, they meet with the same respect. So, फिर उन्होंने बहुत ऐसा वो क्या बोले कि this is a bakwas plan, this will not work. We were the distributors of Ashwin Kumar's Little Terrorist and all, which is an Oscar nominated film. उसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसका तो तुम क्या करोगे? फिर मेरे को भी like I also didn't knew, but दो चार मीटिंग के बाद उन्होंने बोला कि but you are youth, we believe in promoting youth and all, we will take a 20% equity in the company and pay you some 28 lakhs of wo. मैं बोला यार सर कि मुझे नहीं पता इसमें क्या है, पर इसमें डेफिनेटली कुछ है जो इनको वैल्यू दिख रहा है. सो आई डिस्कस विद माय डायरेक्टर एट माइका एंड आई सेड नो टू दैट ऑफर. तो बोले देन दे वर लाइक कि शिलादित्य दे हैव फंडेड अ कंपनी कॉल पेंटलून्स विच इज नाउ नोन एज फ्यूचर ग्रुप. मैं बोला कि सर अभी मुझे पता नहीं इसमें क्या है, अगर सच्ची के मेरे आइडिया में वो है, दिस गाइज विल कम टू मी अगेन. And when you are a student, you don't have 5,000 rupees in your pocket and you say no to such an offer, your market value shoots up like anything. So now after that, like dheere karke, things were falling in place. I developed all my classmates and all, they quit their internship and everything to start working. And we had a 29 member team. Things were going very good. It was a startup. I was a student staying in hostel and all. But there was an energy. But kya hua ki, I think 10 days before the festival, jo hai, we were running in a deficit of 13 lakhs of rupees. 13 lakh rupiya humare paas kam pad gaya. Mera ek check bounce ho gaya. Wide angle hai na? Wide angle multiplex mein maine ek check diya tha, wo check bounce ho gaya. And wide angle ke owner ne bola, isse pure paise lena, teri ek picture bhi chadhane nahi dunga main. Next Saturday is the festival, today is Friday, I don't have money. Kam chal, main kya karu? तो मैंने सोचा था कि टीना अंबानी शी सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ दिस छोटे इनिशिएटिव्स एंड ऑल दिस थिंग्स. तो मैं बहुत चिट्ठियाँ लिखा करता था टीना अंबानी को, कभी रिप्लाई नहीं आता था. मैंने कहीं से ढूंढ के टीना अंबानी के ऑफिस का नंबर निकाला एंड आई कॉल्ड अप हर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट. अब अगेन लाइफ में जब लगी होती है तो कुछ ना कुछ मैजिक हो जाता है. तो आई सेड कि ऑल आई नीड इज 10 मिनट्स, मेरे को एक मीटिंग करने दो. तो उसको मेरे पे शायद दया आ गई. उसने बोला कि ओके यू 10 मिनट बाद उनका कॉल आया कि यू कम एंड कम टू बलार्ड स्टेट एट 3 PM इन द आफ्टरनून ऑन मंडे. सो सैटरडे को फेस्टिवल, मंडे को मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के गया. बहुत घबराया हुआ था क्योंकि बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं, बोल दिया कहाँ से आया, कोई मीटिंग नहीं है, भाग जा. तो बहुत ही डरे घबराए मैं बलार्ड स्टेट पहुँचा. दे मेड मी वेट फॉर वन एंड हाफ आवर, देन दे ट्रांसमिट मी टू अनदर ऑफिस मानिक चैम्बर्स. एंड मैं अंदर गया तो वहाँ पे टीना अंबानी was there and she was like ki why you wanted to meet me so desperately. And haath pe unhone wo bade se solitaire type ka pehen rakha tha jo ek mil jata tod tod ke tum 5 saal festival kar sakte. so I narrated ki ye and all, and she was listening to me and she was very, to bola Shiladitya, I'm very fascinated by you, but I am just thinking ki tum kaisi planning karte ho कि तुम्हारा सैटरडे को फेस्टिवल है, टुडे इज मंडे, यू आर कमिंग टू मी एट दिस मोमेंट एंड यू आर टेलिंग यू डोंट हैव मनी एंड यू वांट अस टू सपोर्ट यू. तो ये तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है. लाइक एट द टाइम इट वाज बिग सिनेमाज एडलैब्स. सो एडलैब्स तो ये ऐसे ही कर दे, मतलब हो जाता. तो मैंने बोला कि आई डिड अप्रोच, देयर इज दिस जेंटलमैन कॉल्ड शंकर दत्ता हु यूज्ड टू बी सी और MD ऑफ वो, बट आई नेवर गॉट अ रिप्लाई. एंड देन आई अप्रोच मधुकर कामत ऑल्सो फ्रॉम मुद्रा. So she was very furious and she immediately placed a call ki Madhukar, what is this? This guy is standing in front of me. He has a fantastic concept, but there is nobody to support him. He's running from pillar to post for money. You guys are not approachable. Do something. They immediately arranged a conference call with Amit Khanna, chairman Reliance Entertainment. So Amit Khanna was a bit rude. Amit Khanna was like, he come to the point. So I told him, next from Saturday is my festival. I'm running in a deficit of 13 lakhs of rupees. Since Tashan is getting released, nobody is giving me venue for free. That's what I want. So they checked it. They called up this guy called Anil Arjun. He was at the time, I think, CEO at Adlabs or something. Ki Anil, can you give him 2 screens at Big Cinema, Adlabs Ahmedabad, for 3 days? Well, no, sir, I can't give. Okay. So can you give him 10 lakhs of rupees? So, yes, sir, I can give. Well, give him 10 lakhs of rupees and tell ma'am problem has been solved.
So next day, when I reached Ahmedabad around 1:30, they transferred some 10 lakhs and 67,000 in our account. And it was very kind of Tina Ambani to give a testimonial kind of thing. And next day, it was on Economic Times everywhere. In less than 24 hours, you go get the money and come. And when the news market pe phailti hai, pehle jo log office pe ghuste nahi dete the, wo aap baitha ke aap chai pila the, bola Tina Ambani tak kaise pahunche. So, festival mera ho gaya. I made some money also. But kya hota hai, all of a sudden na, you get lot of success or whatever. So, tumhe lagta hai ki life pe har cheez bahut easy hai. So, uske baad mera thoda, I become a bit arrogant. I become a bit self-centered. जो है हमेशा हर चीज़ पे मुझे ही लाइमलाइट चाहिए ये चाहिए. मैंने सिंगल एक से 29 मेंबर टीम बनाई और मैंने 29 मेंबर टीम से फिर एक में मैं आ गया विद इन टू इयर्स ऑफ टाइम. एंड एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग फेलिंग. माय सेकंड अटेम्प्ट एट द फेस्टिवल वाज अ डिजास्टर. आई मेड अ लॉस ऑफ 18 लैक्स ऑफ रुपीज. थर्ड अटेम्प्ट जो है थर्ड एडिशन आई मेड अ लॉस ऑफ 14 लैक्स ऑफ रुपीज. द प्रॉब्लम वॉज दैट आई वॉज ट्राइंग टू स्केल इट लाइक यहाँ से यहाँ तो यहाँ गिरी गया. So, at the age of 24, I guess, I started my career with a loss of 35 lakhs of rupees. Log ghar ke bahar paisa mangne mere. Sabko lagta tha, Assam se ab to duba gaya, ab to bhag jayega kind of. So, I was like, ki mere paas paise nahi hai, but main kahin bhag ke jane wala nahi hoon, give me some time. Some of them agreed, some of them didn't agree. Jo log maane nahi, I had to borrow from my mom's provident fund, and I paid. And uske baad, agle do saal, I did everything जिससे तुम्हें थोड़े पैसे मिल सके. वेबसाइट बनाना हो, कंटेंट लिखना हो, ये करना हो, वो करना हो. और क्या होता था, अगर मुझे आपको 10,000 रुपये देने हैं और मेरे पास 7,000 रुपये है, तो पेमेंट डेट से 3 दिन पहले ही मैं पहुंच जाता था. मैं बोला सर ये आपके वो, तो सबको ये लगता था कि लड़का अच्छा है, जेन्युइनली वो है, वी शुड सपोर्ट हिम. सो आई मेड माई बेस्ट रिलेशन ड्यूरिंग दोज डेज. देन फिर क्या हुआ, वन फाइन डे आई केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट कॉल ताज एनलाइटन फिल्म सोसाइटी. ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ताज से पैसा लो, एनलाइटन फिल्म क्लब भी चलाओ. बोला चलो हम भी ये करते हैं. आई स्टार्टेड द क्लब कॉल सनसेट बुलेवर्ड फिल्म क्लब. एंड एट द टाइम पीवीआर मेड एन एंट्री इनटू अहमदाबाद. सो मैं पीवीआर के पास पहुंच गया. मैं बोला कि हर थर्सडे मुझे एक शो चाहिए होगा तुम्हारा, एंड जो है मेरे फिल्म क्लब के मेंबर्स होंगे, वो हो गए कंटेंट मैं दिखाऊंगा एंड ऑल. सो पीवीआर यूज टू चार्ज मी 18,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन क्या कैपेसिटी है एंड ऑल. सो मेरे पास पूरा अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल का डेटाबेस था. एंड आई स्टार्टेड सेलिंग दिस मेंबरशिप फॉर 4,500 रुपीज़ करके. सो मेरे पास एक साइजेबल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए और हर फ्राइडे हर थर्सडे हम फिल्में दिखाया करते थे. फिर यहाँ का जो सिनेमा मैनेजर है पीवीआर अहमदाबाद का, ही वाइस प्रेसिडेंट शालू सवरवाल पीवीआर गुड़गांव हेड ऑफिस में बोला कि एक लड़का आता है, ऊट पटांग पिक्चरें दिखाता है, लेकिन पब्लिक बहुत अच्छी आती है. तो शालू आई थी अहमदाबाद, तो शालू ने बोला कि शिला साथ में मिलके कुछ करते हैं. सो वी प्लान्ड अ 7-city फिल्म फेस्टिवल. लाइक इट वॉज नॉट अ रॉकेट साइंस काइंड ऑफ थिंग, बट अ वेल पैकेज थिंग. एंड वी सोल्ड इट टू रेबैन फॉर 90 lakhs. एंड पी वी आर मेड अ प्रॉफिट ऑफ सम 60-65 lakhs. एंड दे स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली. वी रिपीटेड दैट अगेन आफ्टर 3 months विद अनदर फेस्टिवल कॉल हार्ली डेविडसन फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल. कुछ नहीं, हार तीन चार वो बाइकिंग वाले पिक्चर ले लो, अच्छा पैकेज करके वो करके. And we got 58 lakhs from Harley. So in less than 6 months, PVR made a profit of more than a crore. And they paid me also some money. And then one fine day, I think it was 7 January 2010, I got a call from Gautam Datta, who is now the group CEO of PVR Cinemas. And he was like, Shil beta, tu ek kaam kar. Tu jo karta hai, yahan aake karna, tu Gurgaon aaja. Jo hai, tu jo karta hai, yahan karna, humare saath karna. Tera bhi bandwidth badhega, tera bhi wo badhega. मतलब चलो ठीक है. एक महीने में मैं गुड़गांव पहुंच गया. तो वहाँ पे द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई वाज गिवन वाज बिल्ड अ सिनेमा कॉल्ड पीवीआर डायरेक्टर्स कट. सो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, सो इन वसंत कुंज दे हैव दिस सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी व्हिच इज लाइक अ बिजनेस क्लास ऑफ सिनेमास कॉल्ड पीवीआर डायरेक्टर्स कट, जिसमें लाइक टिकट प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम समथिंग अराउंड 1600 एंड ऑल. तो मैंने सबसे पहले सर को पूछा कि सर आपने नाम तो डायरेक्टर्स कट रख दिया, लेकिन पिक्चर तो आप एक था टाइगर ही दिखाओगे. मैं बोला इसका नाम तो चेंज होना चाहिए, इट हैज मोर टू डू विद लग्जरी रेदर देन मोर विथ डायरेक्टर्स कट और समथिंग. तो ही वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, अब नाम डिसाइड हो गया, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू, नाम तो यही है. तो आई फिगर्ड आउट देयर वर 4 ऑडिटोरियम्स जो है 104, 108, 46 and 25. मैंने बोला सर ये 46-seater वाला ऑडिटोरियम मुझे दे दो एंड मैं इसमें कुछ ऑल्टरनेट कंटेंट दिखाता हूँ. ऑल्टरनेट कंटेंट मतलब
something else, something more director's cut kind of thing. So Sunset Boulevard Film Club ban gaya PVR Rare Film Club. But the problem was, main yahan pe week mein ek show karta tha. Ek show kar. Ab mere paas pura auditorium hai. Mere ko din mein 4 show chalane hote hai. To usme chalao kya? Aur main yahan pe to main 5000 lumen ka projector leta tha, DVD show karta tha, permission leta tha. Dikha ja, PVR can't screen a film with a DVD or a Blu-ray. So content ka bahut issue hone laga. Ab kaise usko wo kare? So मैं जब फेस्टिवल के डेज पे मैंने रियलाइज़ किया जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती है छोटी फिल्में होती हैं एंड ऑल वो फेस्टिवलों में तो दिख जाती है बट वो कभी थिएट्रिकल रिलीज नहीं होती आजकल तो होती है एट दैट टाइम सो आई आस्क माय बॉस कि कैन आई डू सम एक्सपेरिमेंट तो बॉस ने बोला चलो करो आई स्टार्टेड रिलीज द फिल्म इट वॉज अ डिजास्टर द फर्स्ट फिल्म वी सोल्ड ओनली 1700 टिकट्स आई रिलीज अनदर फिल्म इट वॉज अगेन अ डिजास्टर सो ऐसा 3-4 डिजास्टर के बाद मुझे धीरे धीरे आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि क्या सही है क्या गलत है एंड ऑल दिस थिंग्स वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट आई रियलाइज दैट द क्वालिटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म्स इज सो बैड दैट यू कैन नॉट सस्टेन अ बैनर ऑन दैट सो वी स्टार्टेड मिक्सिंग मैचिंग कंटेंट हम इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट फिल्म्स लिया कुछ डॉक्यूमेंट्रीज लिया कुछ शॉर्ट फिल्म पैकेजेस लिया कुछ रीजनल कंटेंट लिया एंड ऑल धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ते लगा लोग भी आने लगे एंड ऑल दिस थिंग्स सो वन फाइन डे आफ्टर अ ईयर और सो पीवीआर डिसाइडेड कि विल गिव Rare, make Directors Rare another banner. It was like a specialty label like Sony Classics or a Fox Searchlight kind of thing. And PVR Pictures will focus on all the big pictures, Wolf of Wall Street kind of. So aise karte, I ended up some distributing some 84 films. And PVR ke andar I got very good bosses. And like finally when I was leaving PVR in 2014, at that time I was working in 5 departments, reporting to 5 bosses. And in one of the department, I was reporting directly to Sanjeev Bijli, the promoter of PVR. But I realized that now I have reached the kind of limit. And iske aage ab kya? And then I also wanted to make a film. Hum to film maker banne gaye the LA. So finally in 2014, I resigned from PVR. And I started working on a film of my own. Phir at that time, I got a call from Mr. Manish Mundra, who is the promoter of Drishyam Films, you know, which has produced Masaan, Newton, and all those films. So Manish was always used to tell me, Sheila, kuch saath mein kaam karte hai, tumhara vision same hai, mera vision same hai, kuch karna chahiye, and all these things. But main kabhi seriously le nahi raha tha. Then he came up with an idea, ki he wanted ki tumhari company mein chalo, main thoda investment dal deta hu. Maine naya naya tab social network dekha tha, main bola, nahi bhaiya, mere ko koi investment chahiye nahi. जो है अपना सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस है कुछ चाहिए नहीं तो अपने काम में ऐसे लग रहे 3-4-5 महीना हो गया आई वॉज इन श्रीलंका वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड देन मनीष कॉल्ड मी एंड बोला कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन एज अ सीईओ सीईओ हर आदमी जिंदगी में एक बार सीईओ बनना चाहता है तो मैं बोला अच्छा मैं बोला कि लेकिन मेरे को तो ये फिल्म बनानी है मनीष बोला साथ मिलके बनाएंगे बोला बहुत अच्छी बात है यार मुझसे लकी कोई है क्या सीईओ भी बन रहा हूँ अच्छी सैलरी भी मिल रही है अपनी फिल्म भी बनेगी एंड ऑल दीज थिंग्स बोला ठीक है डन सो आई ज्वाइन डिस्ट्रम एज अ सीईओ तब तक डिस्ट्रम ने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई थी आंखों देखी करके एंड देन आई स्टेड टू डिस्ट्रम फॉर टू एंड हाफ ईयर्स या एंड वी प्रोड्यूस सम 8 फिल्म्स एंड आउट ऑफ विच मसान आप लोगों में से किसी ने देखी होगी शायद एंड न्यूटन आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड न्यूटन वेंट अप टू डू अ बिजनेस ऑफ 28 क्रोर्स इन द बॉक्स ऑफिस एंड इट वॉज ऑल्सो इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द अकेडमी अवार्ड्स एंड ऑल सो बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम अब बन गए सीईओ ये हो गया सब कुछ कर लिया जो है एंड द प्रॉब्लम वॉज दैट कि वेन यू आर वर्किंग ना तुम सारा जितना काम करो स्टार्टिंग से लेके एंड तक यू आर ऑलवेज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड ऑल दिस थिंग्स सो आई वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोड्यूसर मतलब हो गया बहुत जो है सो देन आई फाइनली एट द पीक ऑफ माई करियर आई क्विट दृश्यम इन सेप्टेम्बर 2016 आई गेस एंड आई स्टार्टेड माई कंपनी कॉल प्लेटून 1 फिल्म्स we're just a 1-year-old company. We've just finished shooting a film recently called Yours Truly, and then we're producing another, which is going on floors on August. So now I'm like in a happy space. I work 7 days a week, and I'm making money out of doing what I love. So if you can figure out a way how you can make money by doing what you love, then you are sorted. So kabhi matlab feel hi nahi hota ki kaam kar rahe hai. All the time, like, it's like, my hobby is paying me. So agar wo humne figure out kar liya, and then another thing which I have realized is, jaisa sir ne bhi bola, the thing is that persistence is the most important thing. You keep doing, one fine day it will click, and you will figure out ki ye kaise karte hai.
And at the same time, it is very important to know ki when to quit. Ki kabhi kabhi hota hai ki when to quit, when to step out at the right wo. Kabhi kabhi hum fir kisi filmon mein kaam karte hai, kaam shuru karte hai, bahut kaam chala gaya, we have already invested a lot of money in it. But hume lag raha hai ki this is not going right. So at that time, you should not pursue it for emotional reasons. That's the mistake that I did when I did my festival and all. Because emotional reasons mein hum karte gaye. Agar humne usi time usko band kar diya hota, jo hai, like things would have been different. So that's it, like my story. So any questions you have, yeah, let me know. Means how do you decide to back films like X, Past is Present, Aankho Dekhe and Masaan in this? Okay, I'll tell you first of all, we have to understand what producing means. Yeah, most of the people think that producers matlab ye bada paise ka bag leke ghum rahe aur ye lo picture banao, aisa nahi. Producer means, first of all, to shortlist, to select a script, to get a director dhoondna, get a director attached, getting the finance raised, uske baad film banana, pura process wo karna, ek baar film ban jaye, to exploit that, usko bechna, release karna and all these things. So producer is a person who stays with the film for the longest period of time, and there is no award for best producer. So the best film award goes to the producer. So X, Past is Present is a mistake basically. So that was out of desperation I did. That is the only bad film that I have done. But now what I decide is, when we are doing a small film, so the theatrical business of small films are almost dead. So I have a formula. Ki agar mujhe film banane ke liye 100 rupaye lag rahe, aur mere ko uske non-theatrical rights, this is satellite rights, Netflix, Amazon, DVD, airlines, home video, all those rights se, agar mujhe 100 rupees ka list usme, I'm making 125 or 130, then we consider doing a film. So that we know at least our costs are covered. Ki loss bhi jo hai, hum will break even and we'll make some money from non-theatrical rights, then whatever we get from theatrical is just a profit kinds. And I go now more on the hunch. Jo hai story, agar mujhe pehli baar sunte time, Newton was a one-line thing that Amit Masurkar narrated me. Ki ek line ka concept tha. So, pehli baar sunke agar tumhe lagta hai ki ispe wo hai, so sometimes you go wrong also, there is no perfect formula for that. But yeah, it's more of the hunch, yeah. And I love X-Spice's present. Oh, great, thank you, thing. Someone. Yeah. There are many. Yeah. Good evening, sir. I heard your story. You're going through a phase of life, first failure, then success, again failure, then success. So can you tell me, what's the one thing keeps you kept going? So, mujhe hamesha lagta hai, I'm made for bigger things, kind of. Jo bhi bol lo. I think I'll build a company like UTV someday. So, mujhe andar se lagta hai, aur mujhe lagta hai, ye meri final destiny nahi hai. So, jitne baar, jaise sir ne bola, jitne baar life pe niche gaye hai, utne baar phir double usse upar aaye hai. So, I think, अंदर से थोड़ा बिलीव करते हैं तो या ओके दैट इज अ सेल्फ बिलीव यू थिंक सेल्फ बिलीव या कि आई विल मेक इट बिग सो आई बिलीव इंडिया इज द बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड राइट शीला ओह या या ओके सो आई थिंक वी हैव लाइक 30 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स राइट या 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 व्हाट डू यू हाउ डू यू सी दिस स्पेस इवॉल्विंग एज वी गो फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर सी आउट ऑफ दिस सो मेनी ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओनली 3 to 4 will survive, everything else will go bust. So when it comes to, agar hum jo, all of them are trying to make originals, theek hai? Agar hum content ki quality dekhne jaye, it's only Netflix, jo hai, even Amazon ki quality is very bad. The quality of the originals that they are making, but then they have deep pockets. And Amazon ka ek dusra business hai, this is not their main business kind of. So in the long run, I think Netflix, Amazon and Hotstar, and maybe one or two. Everyone else is here for the valuation game, jo hai, and most of them will go bust. Yeah. So just a follow-up to this, I binge-watched Narcos. Yeah. It was in a language I didn't understand. I just watched it with subtitles. Yeah. But I believe we have very powerful regional content in India. Yeah, totally. Is there anybody working on distributing this at a global scale? Okay, so there are a couple of companies already working on this. The quality of regional films that are being produced in India is far superior than what is being produced in Bollywood. If you go Bengali films, Tamil, Telugu films, even to some extent Marathi films also. And I think Gujarati films also. So yes, there are not like very established
players kind of, but there are some aggregators. Like there's this company called Vista. Vista is founded by this gentleman called Suri Gopalan. Suri Gopalan was working with, was a consultant to Netflix when Netflix was a garage startup, sending out all those DVDs and all. So now he has like, so 90% of the content, 85 to 90% of the content that's in Indian Netflix is curated by Suri's company. There are a couple of others also. When it comes to the theatrical thing, yes, with PVR Directors Rare, we also tried to release many regional films. I am doing a regional film now. The next film that we are doing is a Marathi film. So yeah, there are a couple of players who are trying. Yeah. And yeah, there is one, this player called Venkatesh Films in the East. They have built a platform called Hoicho, which is trying to become the Netflix of Bengali films kind. Yeah. Good noon, sir. Sir, I have a question that, as sir have said, that we have to start up our startup as soon as possible. But sir, at present, we don't have any degree and we don't have any means like fund and debt. So sir, how to borrow that fund and is the right time to? See, the thing is that, funds to mere paas bhi nahi the. When I started, I didn't have any money. So we'll figure out a way. But at the same time, there is no, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा किया तो यही सही रूट है काइंड ऑफ सो एवरी वन विल हैव टू फिगर आउट देयर ओन वे कैसे आपके पास कोई आइडिया है यू बिलीव जो है इस पर बहुत पोटेंशियल है यू हैव टू ट्राई जब ट्राई करोगे हो सकता है आप फेल भी हो कोई बड़ी बात नहीं है आप फेल हो सकते हो ठीक है बट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ बिकॉज मैंने अपने लाइफ में फेलियर थोड़ा अर्ली देख लिया था जितनी गलतियाँ अभी भी करता हूँ लेकिन अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल में जितनी गलतियाँ करनी थी मैंने सारा किया है सो उससे जो मेरे को लेसन्स मिले हैं वो मुझे अभी एट द लेटर स्टेज ऑफ माई लाइफ काफ़ी हुआ है सो इफ़ यू कमिट अब 35-40 ईयर्स में आप आके अगर आप करते हो सो देन थोड़ा सा टफ रहता है तो इफ़ यू स्टार्ट अर्ली आई थिंक यू डेफिनेटली हैव सम एडवांटेज हेलो सर मैं सर प्रवीण सोलंकी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपने अपनी कंपनी का एक साल पूरा किया थैंक यू और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एज ए प्रोड्यूसर आपका एक फेस्टिवल्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हो या फिल्म का जो बिजनेस मॉडल होता है उसको लेकर आपका क्या अप्रोच होता है मतलब कॉमर्शियल पर्पस जैसे अगर फेस्टिवल्स में फिल्म जा रही है तो उसको कौन खरीदेगा उसकी बायर्स कौन रहेगी मीडिया प्रॉफिट क्या रहेगा इन फिल्म में लेना है तो किस तरह से लेंगे और टेक्निकल जो चीज़ें होती है तो एज एन प्रोड्यूसर आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या रहती है ओके सो वन ऑफ द थिंग दैट कोर बिजनेस दैट वी डू इज सिंडिकेशन सो बेसिकली दैट्स हाउ वेयर आर मेन मनी कम फ्रॉम वी बाय एंड सेल अ लॉट ऑफ दिस फिल्म्स सो नाउ दैट वी हैव एन आइडिया कि ये स्टारकास्ट है ये कहानी है ये डायरेक्टर है इसका मिनिमम इस चैनल से इतना पैसा मिलेगा नेटफ्लिक्स से इतना पैसा मिलेगा सो दैट्स वॉट वी डू फॉर अ लिविंग काइंड ऑफ आई वॉज टेलिंग झुमरी ओनली कि I have now syndicated so many films to Netflix that मैं अगर 3 साल अगले ना भी काम करूँ जो रॉयल्टी या द कमीशन डेट आई गेट पेड एवरी मंथ उससे आई कैन लिव अ गुड लाइफ सो दैट वे अब करके एक आइडिया आ गया है सो लाइक सोल्ड लाइक मोर देन 90 फिल्म्स सो वी नो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म फेचेस व्हाट काइंड ऑफ वो या सो दैट्स व्हाट वी ट्राई एंड मैक्सिमाइज एंड समटाइम्स क्या होता है कि सम चैनल उन्हें डिसाइड कर लिया अच्छा शिला है तो 1 करोड़ रुपया So when we know that the value is more, then we don't do it ourselves. We get it syndicated through someone else. Thank you so much, Shiladitya. I saw a couple of hands up, but I think we'll have to wrap up and you could always approach our guests after the event is over. Thank you so much, Shiladitya.